अगर आप भारतवासी हैं तो आप जहां पर भी हैं वहां पर दिल खोलकर मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आज आपको भारतवासी होने पर गर्व महसूस होगा। भारत ने, हिंदुस्तान ने, हमने चंद्र विजय कर लिया। कांग्रेचुलेशन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फाइनली चंद्रयान 3 ने जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है भाई। फाइनली हिंदुस्तान मून पर पहुंच गया है। पाकिस्तान वालों, मून पे कब जा रहे हो? एक एक मूवमेंट पे हमने लोगों की राय ली और लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हमने, हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर कितना काम किया। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती हो गई हूँ। अगर हिंदुस्तान कुछ बना लेता था या कुछ कर लेता था तो पाकिस्तान वाले बोलते थे हमने ये भी किया है, हमने। अब ये बताओ मून पे कब जा रहे हो, सारी बातें छोड़ो। मतलब महंगी मूवी के कम बजट से भी हम लोगों ने उस चीज को पूरा कर दिया, तो वो बहुत बड़ी बात है कि 615 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग पूरा खर्च आया है और उसमें हमारा मिशन जो है कि सक्सेसफुल हुआ। इट इज द प्रेयर ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, नॉट मुस्लिम्स, नॉट हिंदूस। ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों की दुआ है, किसी भी शक्ल में। किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने अल्लाह को याद किया, किसी ने वाहेगुरु को, किसी ने गॉड को, व्हाटएवर जो भी अपने फॉर्म में। लेकिन कॉमन चीज है क्या थी कि मिशन सक्सेसफुल। तारिक यकीन करें, मैंने कभी किसी को किसी मिशन के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने चंद्रयान के लिए लोगों को दुआएं करते हुए देखा। मस्जिद में लोग जा रहे हैं, बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के मतलब हिंदू कम्युनिटी अपने मजहब से रिलेटेड वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इतने लोगों की दुआएं थी तारिक, इतने लोगों की दुआएं थी। तो आप मुझे बताएं, वो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, तो ये मिशन कैसे कामयाब ना होता। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया है। वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस मिशन को असफल होने की प्रार्थना कर रहा था, मगर बहुत सारे पाकिस्तानी इस मिशन को सफल होने की भी दुआ कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाले को सफलता नहीं मिली और भारत की इस कामयाबी पर कई पाकिस्तानी परिवार भी जश्न मना रहे हैं। और भारत की इस सफलता पर ऑनलाइन इंटरव्यू करते हुए पाक एंकर खुशी से रोने लग गई, जिसे देख आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज उन पाकिस्तानी के मुंह पर तमाचा जड़ गया है जो चंद्रयान 3 की असफलता की दुआ कर रहे थे। दोस्तों चंद्रयान 2 के फेल होने पर पाक में जश्न मनाया गया था, मगर देर से ही सही उन सभी का मुंह पर आज तमाचा जड़ गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की इस लेटेस्ट वीडियो को। तो दोस्तों आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 4 साल से हमारे 16,000 वैज्ञानिक जिस चंद्र विजय को लेकर दिन रात संकल्पित थे, फिंगर क्रॉस करके जिस लम्हे का हम और आप इंतजार कर रहे थे, वो लम्हा हमारे पास आ गया है और चांद पर भारत ने विजय हासिल कर लिया है। भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है, अशोक स्तंभ लहरा दिया है और चांद पर हम पहुंच गए हैं। साउथ पोल पर अब तक कोई नहीं पहुंचा था, वहां पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। ये अपने आप में खास है, ऐतिहासिक है। अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया में हम सिर्फ चौथे देश हैं जिसने ये किया है। और इसका असर ये होने वाला है कि चांद अब सिर्फ हमारे मामा नहीं रह गए, वो मामा जिन्हें हम दूर से देख रहे थे, चंदा मामा आएंगे। अब चंदा मामा आएंगे नहीं, हम लोग चांद पर जाएंगे। भारत वहां पहुंचा है, भारत का तिरंगा वहां पहुंचा है, भारत का झंडा वहां पहुंचा है, इसरो का झंडा पहुंचा है, अशोक स्तंभ जो है वो वहां पहुंचा है। अब चांद की तरफ देखकर सिर्फ छन्नी से आप चांद को निहारेंगे नहीं, बल्कि अपने देश का जो उज्जवल भविष्य है वो भी चांद को यहीं से देखेंगे। और चांद के जरिए जब चंद्रयान हमारा वहां पहुंचा है तो दुनिया में हमारा परचम जो है इस ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम जो है वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। कमाल यार, चंद्रयान हमारा जैसे ही पहुंचा प्रधानमंत्री भी आ गए। आज प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी जो एक्साइटमेंट है वो अलग लेवल से देखने को मिली, लेकिन पॉलिटिक्स को हम साइड में रखते हैं यार। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है और इतिहास बहुत 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 ज्यादा खास है। 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर की जो दूरी थी वो हमने पूरी कर ली। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि लूना 25 जो है वो क्रैश कर गया था और हमारा वाला क्रैश ना करे, इसलिए हमें धीरे 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 वहां पहुंच जाना था। लेकिन हम सारी सावधानियों को बरत रहे थे और जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो से बताया था कि आखिरी के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसे फियर ऑफ 15 मिनट कहता है। वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों का नियंत्रण जो है वो खत्म हो जाता है और जो एल्गोरिदम आपने चंद्रयान में फिट किया है उस एल्गोरिदम के जरिए लैंडर जो है वो उतरता है।
वो उतरा, बड़ी सावधानी से उतरा और 5:30 पर इस प्रोसेस की शुरुआत हुई। शुरुआत में इसकी लैंडिंग जो थी वो थोड़ी रफ थी, लेकिन इसके बाद आसानी से हुई। 5:40 पर कहा था कि लैंडर ने यहां पर वर्टिकल लैंडर की और तब उसकी दूरी जो है चांद से केवल और केवल 3 मीटर रह गई थी, 3 किलोमीटर रह गई थी। इसके बाद 6:04 पर, जो हमने आपको समय पहले बताया था, उसी समय पर चांद पर हमारा लैंडर पहुंचता है और यही वो लम्हा होता है जब इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में हमारा नाम जो है वो दर्ज होता है। फाइनल वो घड़ी, वो दिन आ ही गया जिसका बड़ी बेसब्री से पूरी दुनिया को इंतजार था। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ लैंड कर लिया है। सब देखने वालों को मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, भारत को बहुत सारी मुबारक हो, उन साइंटिस्ट को जिन्होंने 4 साल लगाए चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 के अचीवमेंट पर, और फाइनली वो जो चाहते थे वो हो गया, वो दिन आ गया, चांद भी आज भारत का हो गया। फाइनली चांद पर भारत ने जो है वो अपना तिरंगा लहरा दिया। इस वक्त हमारे साथ मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद तारिक इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम तारिक, बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम सलाम मैम, मुबारक हो। बहुत खुशी का मौका है कि आज इंडिया ने वो अचीव कर लिया जो कई कंट्री शायद अचीव करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हुआ। तो एक बार फेल हुए, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो वी हैव डन इट अगेन और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो बहुत खुशी है कि हमारा सक्सेसफुल लैंड हो गया। इस वक्त तारिक क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं, लाइक सबकी सांसें रुक गई थी एक लम्हे के लिए कि क्या होने वाला है। लाइक जब लूना 25 क्रैश किया तो सबकी धड़कनें जो है वो बंद गई थी कि अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश ना आ जाए जिस तरह चंद्रयान 2 के साथ हुआ, 3 के साथ ना हो। फाइनली वो मूवमेंट देखने वाले थे इसरो के तमाम लोगों के, जिस तरह वो उनकी सांसें रुकी हुई थी और चंद्रयान को वो लैंड करते हुए देख रहे थे। आपने लैंडिंग देखी तो क्या मनाजिर थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? बड़ी बात है जो आपने कहा मैम कि कैसा महसूस कर रहे थे। तो जब लास्ट टाइम हम लोगों ने भेजा था तो हम लोग फिंगर क्रॉस किए हुए थे कि चलो पहुंच जाए, बट वो नहीं हो पाया। आज जब दोबारा देख रहा हूँ कि वो लैंड कर गया तो खुशी इसलिए ज्यादा क्योंकि हम फेल हो चुके थे पहले, और लोगों ने, कई लोगों ने मजाक उड़ाया था इंक्लूडिंग आपकी कंट्री में, मजाक उड़ाया था कि चलो नहीं हुआ, ये तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो खुशी मिलती है जब कोई इंसान देखता है कि मुझे डिच किया जा रहा है, फिर मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, आप फिर ऊपर उठते तो मजा आता। तो कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है कि लोग अगर आपका मजाक उड़ाए ना तो आप अपना टारगेट मत छोड़ो, आप फोकस करो उसके ऊपर। तो आज हम लोग वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंच पाया, साउथ साइड ऑफ मून इंडिया आज पहुंच चुका है, और जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इसका बहुत फायदे होने वाले हैं हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को, फिर हम लोग इसका फायदा देंगे। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि चांद पे पानी है ये भारत नहीं ढूंढा था, बिल्कुल 90s में पहली बार। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी का मौका है। और हम लोग जैसा कहते हैं मैम कि जब पहला रॉकेट हम लोगों ने बनाया था इसरो में तो उसके पार्ट्स और उसको ले जाने की साइकिल इस्तेमाल हुई थी, उसमें बजट कंस्ट्रेंट भी थे, रास्ता ऐसा था। तो वहां से जो सफर शुरू हुआ मैम, कि आज साइकिल से लेकर के हम लोग मतलब महंगी मूवी के कम बजट से भी हम लोगों ने उस चीज को पूरा कर दिया, तो वो बहुत बड़ी बात है कि 615 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग पूरा खर्च आया है और उसमें हमारा मिशन जो है कि सक्सेसफुल हुआ। चंद्रयान 3 को लेकर दो देश काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और दुआएं कर रहे थे अपनी अपनी लैंग्वेज में। पड़ोसी देश यही बोल रहा था कि याल्ला चंद्रयान 3 क्रैश हो जाए, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ना करे याल्ला, वो यही दुआएं कर रहा था। और एक और पड़ोसी देश है जो चाइना है, वो भी यही दुआ कर रहा था, चंद्रयान दीजिए, वो चाइनीज में बोल रहा था कि चंद्रयान 3 गिर जाए। लेकिन फाइनली दोनों की पट गई भाई, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। बधाई हो एंड लव यू, स्पेशली लव यू ISRO टीम के लिए, बहुत सारा प्यार जिसने हिंदुस्तान को आज ऐसे लेवल पे जाके खड़ा कर दिया है कि यकीन करें कि अब पड़ोसी नीचे नहीं देख रहे, सिर्फ ऊपर ही देख रहे। पता नहीं यार ये हिंदुस्तान मून पे पहुंच गया, अल्लाह बचाए क्या मारेंगे वहां से। नहीं मारेंगे बेटा, नहीं मारेंगे अब्बा जी, नहीं मारेंगे। और एक कहावत और भी चेंज हो गई, पहले दुनिया में लोग कहते थे कि चंदा मामा मून, अब ये नहीं बोलेंगे, अब पड़ोसी बोलेंगे अब्बा मून पे। हमारे अब्बा पहुंचे मून पे, हम रह गए जमीन पे। अभी थोड़ा इमरजेंसी है, बाद में गाना बनाएंगे अच्छे अच्छे गाने। और स्पेशली डायरेक्ट मैसेज कश्मीर और पोक के लोगों के लिए है कि भाई आप लोगों ने कहां पे रहना है, ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप लोगों को जो है वो हिंदुस्तान के साथ मून पे पहुंचना है, मून पे जगह हिंदुस्तान, देखिए मून पे क्यों जा रहे हैं लोग, स्पेस पे क्यों जा रहे हैं, मार्स पे क्यों जा रहे हैं लोग, इस वजह से ताकि, देखिए दुनिया बोलती है, लोग बोलते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी, पता नहीं कयामत आएगा क्या आएगा, तो लोग ऊपर जो है पानी ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं। तो मैं पोक वालों को कहता हूं कल को देर ना हो जाए भाई, कल को ऊपर सोसाइटी बन जाए, हिंदुस्तान वाले सारे निकल के वहां चले जाए और तुम लोग वहीं पे रह जाओ, अभी से डिसाइड कर लो, बात में नहीं मानेंगे आप। नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच थी दोस्तों, जो उन्होंने आज लाइव
तरीके से उन्होंने जो बातें की है, और आईएसआरओ टीम को धन्यवाद और बधाई दी है दोस्तों। यकीन करें कि एक कैसा ही बंदा होगा जिसकी आंखों से आंसू ना निकला होगा। बहरहाल दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान को, हमें भी सबको बधाई हो, फाइनली जो हम चाहते थे वो हो चुका है। भाई फेल हो ही नहीं सकता था। आपको पता है कि मेरी शर्ट लगी हुई थी मेरी टीम के कुछ लोगों के साथ, और मेरे कुछ जिन लोगों ने कमेंट दिए चंद्रयान पर, मेरी उनके साथ शर्ट लगी हुई थी कि चंद्रयान इस दफा 100% लैंड करेगा और सॉफ्टली लैंड करेगा और ये मिशन कामयाब होगा। आप यकीन करें, लोग कह रहे थे कि एट टाइम पे एट द एंड कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया नहीं जा सका तो इंडिया कैसे जाएगा। तो मुझे ना एक अंदर से आवाज आ रही थी, दिल कह रहा था कि नहीं यार इस दफा ये नहीं होगा। और लिटरली लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स कि मैंने चंद्रयान टू को भी फॉलो किया था, और जब चंद्रयान टू जो है वो लैंड नहीं कर सका था और बड़ा बुरा लगा था मुझे, और मैंने उसको भी फॉलो किया, और देन मैं चंद्रयान थ्री को शुरू से ही फॉलो कर रही थी, और उस पर हमने एक एक मूवमेंट पे हमने नजर रखी, एक एक मूवमेंट पे हमने लोगों की राय ली, और लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हमने, हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर कितना काम किया। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और जज्बाती हो गई हूँ। जब ये खबर आई, पता चला कि चंद्रयान में बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो लॉन्च हो गया है चंद्रयान को, तो हम उसी दिन से इसको फॉलो कर रहे थे। बीच में 14-15 अगस्त के उसके साथ भी चंद्रयान के हवाले से बहुत सारी खबरें निकली, हमने उनको भी फॉलो किया, और लिटरली मुझे ये लग रहा था कि ये इंडिया का मिशन नहीं है, ये हमारा मिशन है, और हम जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। और एक एक चीज पर जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया, आपके साथ भी अक्सर डिस्कशन रहती थी इस हवाले से, और लिटरली मैं बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं। जाहिर है 4 सालों की एफर्ट है एक मुल्क की, और बहुत सारे लोगों की दुआएं थी। तारिक यकीन करें, मैंने कभी किसी को किसी मिशन के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने चंद्रयान के लिए लोगों को दुआएं करते हुए देखा। मसाजिद में लोग जा रहे हैं, बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के, मतलब हिंदू कम्युनिटी अपने मजहब से रिलेटेड वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इतने लोगों की दुआएं थी तारिक, इतने लोगों की दुआएं थी। तो आप मुझे बताएं, वो कहते हैं ना ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, तो ये मिशन कैसे कामयाब ना होता। बस वही बता रहा हूँ कि जो 140 करोड़ लोगों की दुआ है ना, वो साथ थी। सो इट वॉज विक्रम लैंडर प्रज्ञा जो है ना, उसके साथ 140 करोड़ लोगों की दुआ भी थी, जो उसको पुल कर रही थी, पुश कर रही थी, जो संभाले हुई थी कि नहीं होना है ना। तो ये इमोशन तो है मैम, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ठीक है। तो क्या आप इंडिया के लिए इतना कुछ कवर करते हो, सारा कुछ करते हो वहाँ रहते, तो मुझे मालूम है कि आप उसको झेलते भी होंगे, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तो जो दुआ है लोगों की मैम, जो प्रार्थना है, वो काम है यार। ऑफ कोर्स जिन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत की, दिन रात लग के, जाग करके, मॉनिटर करके, तो आई सैल्यूट दोस पीपल जो साइंटिस्ट हमारे हैं, जो टीम है पूरी, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि सारा उन्होंने किया है।